सो हे गाइस, आ चुके हैं हम एक और नए ब्लॉग के साथ। और आज के ब्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं मार्केट सामान लेने के लिए, बट हम उस रास्ते से जाएंगे जिस रास्ते से गेम एक्स प्रो का घर है, क्योंकि वो थोड़ा लॉन्ग है मेरे घर के रास्ते से। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे घर से और भैया के घर तक का रास्ता कितने दूर है। तो शुरू करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ और मैंने आपको जगह पहले भी दिखाई होगी, तो भैया का घर समथिंग वहाँ उतरे नीचे है अभी यहाँ पे। और मुझे जाना है इस वाले रास्ते से, जो ये रास्ता दिखाई दे रहा है। मैं आपको ये पूरा रास्ता कवर करके दिखाऊंगा कि कितना टाइम लगता है मुझे भैया के घर में जाने में। तो चलो अब यहाँ से चलता हूँ मैं, क्योंकि भाई सामान भी लेने जाना है दुकान के लिए। दुकान पे सामान भी सब कुछ खाली हो चुके हैं, तो चलिए बस चलते हैं। और अगर बात की जाए कल के कमेंट्स की, तो कल के कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे लोगों के, क्योंकि कई लोगों ने बोला कि उनके गाँव में बाजरा होता है, कई लोगों ने बोला कि हाँ हमारे यहाँ भी मंडुए की रोटी बनाई जाती है, गोदी की रोटी बनाई जाती है। तो सुन के ज़्यादा काफ़ी अच्छा लगा। बट एक बात बता दूँ कि हमारे यहाँ बाजरा नहीं होता। बाजरा और मंडुआ, बोले तो कोदा, ये दोनों के दोनों अलग होते हैं। तो बाजरा हमारे इधर 1% भी नहीं होता, बट कोदा मतलब मंडुआ तो बहुत ज़्यादा मिल जाता है। अभी जस्ट हमने आधा रास्ता तो पूरा कवर कर लिया है और हमको आधा रास्ता और कवर करना है। और अभी हम थे वहाँ उस वाली जगह पे, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा। और हम वहाँ से ऐसे ये लंबी सीढ़ी क्रॉस करते हुए इधर से यहाँ पे ब्ला ब्ला, और हम लोग पहुँच चुके हैं अभी यहाँ पे। और समथिंग आधा रास्ता तो क्रॉस कर चुके हैं और आधा रास्ता क्रॉस करना है। मैं फ़िलहाल आराम से जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जस्ट अभी उठाऊँ चाय नाश्ता करके सीधा दुकान में जाना है, तो थोड़ा अजीब सा फील है वो आई थिंक सभी को होता होगा। और काफ़ी ज़्यादा हवा भी चल रही है इधर, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बार मतलब डिलीट विलीट करना पड़ रहा है, टेक लेने पड़ रहे हैं काफ़ी सारे। तो कुछ लोग अभी यहाँ पे पानी भर रहे हैं, लोग अपने गौशाले के लिए देखो यहाँ पे खाना वाना ले जा रहे हैं अपने गाय भैंसों के लिए। तो फिलहाल अभी यहाँ पे वीडियो को रोक के मिलते हैं आपको सीधा आगे वाले रास्ते में, क्योंकि काफ़ी लंबी सीढ़ी है देखो, और फ़ोन बहुत ज़्यादा शेक होगा, तो इसीलिए मिलते हैं आपको आगे जाके। अभी लगभग हमने लगभग पूरा सा रास्ता मतलब कंप्लीट कर लिया है, और हम बस थोड़ी ही दूर हैं। लगभग हमको 20 या 30 सीढ़ी और नीचे जाना है, फिर उसके बाद हम भैया के घर के तरफ पहुंच जाएंगे। फिर वहां से मुझे थोड़ा सा और नीचे जाना है, फिर मैं अपने गांव के मार्केट में पहुंच जाऊंगा। ज़्यादा दुकानें नहीं हैं, 3-4 दुकानें ही हैं। मेरे सबसे पहले व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया है, तो आप वाला व्लॉग चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई अपने गाँव के बारे में, और फिलहाल तो अभी मैं अपने ही बारे में बताता हूँ। तो वहाँ से फिर थोड़ा सा सामान लेके फिर ऊपर आएंगे, ये इतनी चढ़ाई करके लिटरली वहाँ से आए थे हम लोग ऊपर, जो ये वाला फर्स्ट मतलब घर दिखाई दे रहा है। तो अभी बस मैं दिखाता हूँ आपको अभी कितनी सीढ़ी बाकी है, और बस हम पहुँचने वाले हैं भैया के घर की तरफ, थोड़ा सा ही है। तो अभी हम नमस्ते चाय पियल, हाँ दुकान, अरे तबीयत ठीक है उसकी, अब ठीक है ना, खा पी रहा है नमक मिर्च सब ना, वो तो हो जाएगा कोई बात नहीं ना, धीरे धीरे। हाँ चलो कोई बात नहीं, भेजा। तो आपने इन खेतों के बारे में बताया था, सुन के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ये सरसों के खेत है वैसे, काफ़ी सारे लोगों के जवाब आए थे, बहुत सही जवाब दिए थे। और ये हमारे गांव का टावर है जियो, जो कि चलता है नहीं अभी, अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। और हम लोग वहाँ ऊपर से आए थे, और ये फाइनल सीढ़ी है इसको बोल सकते हैं, ये बिल्कुल एकदम फाइनल सीढ़ी है, इसके बाद रवि भैया का घर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं। फाइनली हम पहुँच चुके हैं अभी, बिल्कुल हम रवि भैया के घर के पीछे हैं, मतलब रवि भाई का घर यहाँ आगे है, ये वाला घर मतलब किसी और का है। एक्साइटेड तो बहुत होंगे आप सभी लोग, तो चलिए बैक कैमरा करके दिखाता हूँ, बट उतना मिलाऊंगा तो नहीं, क्योंकि सभी लोग खेतों में काम कर रहे होंगे। तो चलिए, और हम पहुँच रहे हैं, ये गोलू मेरे आगे से जा रहे हैं। नमस्ते चाची, ये देखो चाची जी को देखिए है?
रवि को कुछ कहना चाहोगे चाची जी? हैं? मैं कहना चाहूंगा। अच्छा, तुम रवि भाई को क्या कहने जाओगे? बोलना। अरे तुमने इनको इंस्टाग्राम पे देखा होगा, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। इंस्टाग्राम भाई फॉलो कर लेना, मैं आज अगर लाइव आऊंगा तो भाई इसको फॉलो कर लेना, ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। इसका नाम क्या है? मनीष का स्पेशल इंटरव्यू ले जाएगा। मैं भी खेत में जा रहा हूँ, मार खाऊंगा, अभी आता हूँ मैं फिर बाद में। बाय बाय। देखो भाई यहाँ गर्म पानी हो रहा है रवि भाई के लिए, रवि था को देना है गर्म पानी। तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ आगे के लिए, और भैया उन सभी से मिला हूँ मैं, तो चलिए फिलहाल। और ये रहा रवि भैया का घर, और अगर आप देखोगे तो ये उनके घर के माल्टे। अभी मैं दुकान से ये सामान लेके जा ही रहा था, तो करता हूँ दादी फिर बाद में नाश्ता, तो अभी मैं जा रहा हूँ। ये है भैया उनका घर, ये घर का रिव्यू कभी मैं अच्छे से करूँगा। ओए इस्माइल ले इस्माइल, ये स्वाणी मुखड़ी। तो ये रवि भैया की बड़ी छोटी। नमस्ते चाची, प्रणाम। ये है भैया की चाची। और अभी मैं रवि भैया के घर से होके आ गया हूँ, और काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई वहाँ पे, तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहना। और अभी मैं यहाँ था, ये रहा रवि भैया का घर, और मैं यहाँ से ऊपर आया। तो फिलहाल अभी ये मैं पार्ले जी का बिस्कुट ले जा रहा हूँ दुकान के लिए, और यहाँ से मुझे जाना है। तो जैसे ही मैं ऊपर पहुँचता हूँ फिर मिलता हूँ आगे ब्लॉग में आपको। तो चलिए ब्लॉग यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। और अभी मैं अपने घर में पहुँचने वाला हूँ, और ये काफ़ी लंबी सीढ़ी अभी मुझे चढ़नी है ऊपर तक। और मेरे हाथ में ये पार्ले जी है, मैंने अभी ये हाथ पे इसलिए रखा है, कंधे पे रखूँगा तो अच्छे से वीडियो नहीं बनेगा इसीलिए। तो ये अभी पूरी सीढ़ी चढ़ने के बाद जैसे मैं वहाँ ऊपर टॉप पे पहुँचता हूँ फिर वहाँ से आपका आप लोगों को अपने गांव का व्यू दिखाता हूँ। तो जहाँ से वीडियो मैंने स्टार्ट किया था और अभी मैं वहीं पे पहुँच चुका हूँ, और अभी मेरे को इस रास्ते से वापस घर जाना है। और ये कुछ फ़िलहाल ऐसा सीन बनता है 11 बजे के टाइम पे मेरे गांव का, धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही है आज, पता नहीं ऐसा क्यों, बट फिर भी। और ये है मेरे पूरे गाँव का सीन, आपको कुछ मैं फ़ोटोज़ दिखाता हूँ अपने गाँव की। और अभी मैं पहुंचने वाला हूं अपने घर पे, ये ऊपर मेरा घर है, और ये हमारे गांव का मंदिर। आई होप आप लोगों ने मंदिर देखा होगा, देखा है तो भाई जय हो कमेंट में होना चाहिए। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और इस पे भी एक अच्छे से अलग से वीडियो आने वाला है, इसकी कहानी है एक इस मंदिर की। तो अभी मैं चलता हूँ घर की तरफ। तो फिलहाल अभी मैं आ चुका हूँ अपने घर, और आज का वीडियो को बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को एक और नई वीडियो के साथ। और मैंने आप लोगों को बता दिया होगा इस, अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को एक हिंट मिल गया होगा कि आने वाले कुछ टाइम में एक स्पेशल वीडियो आने वाला है, तो सभी लोग रेडी रहना। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पर अगर आप मेरे को चेकआउट नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को एक और ब्लॉग के साथ।